तो नवम का राहु ऐसे ही पूजा करवाता है, ठीक है ना, चंद्रमा से। हाँ 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 नाइन्थ का राहु ऐसे ही पूजा पाठ कराएगा बहुत सारे, ठीक है ना, और लास्ट में शाम का टाइम में 2 पेक मरवाएगा, 2 पेक क्या बोले, मॉन्क बोले ना, ओल्ड ओल्ड मॉन्क, और दूसरा, अच्छा वो किसके साथ, अच्छा ओल्ड मॉन्क, हाँ, ठीक है, तो ऐसा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ये नवम का राहु बहुत सारा ऐसे आप बहुत सारे पूजा करते हो, करवा रहा है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपको कुंडली में जब भी कोई पूजा पाठ उठाओ या ऐसे कोई ग्रह का रेमेडी करो या ग्रह के लिए कुछ करो, तो ये पहले जानना चाहिए कि मेरे कुंडली में कौन कौन से हाउस में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या क्या इलाज या क्या क्या पाठ या क्या क्या पूजा या क्या क्या रेमेडी या क्या क्या प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। अगर हम ये नहीं जानते हैं और मनमर्जी कोई भी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो ठीक है, मन जैसे आप कह रहे हो मन में शांति है, अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको लाइफ का प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आप बोले कि उपवास भी कर लेते हैं, सोमवार भी कर लेते हैं, बुधवार को गणपति का कर लेते हैं, नारायण का कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, शनिवार का 40 उपवास कर देते हैं, सुंदराकांड का पाठ कर लेते हैं, और मतलब और क्या किए बोले, ये जो ये जितने सारे जो 10 20 25 बता रहे हो आप, ये सब ठीक है, मन का शांति के लिए ये सब ठाकुर जी का ठेका लेके पूजा करना कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा है। बट इसमें आप जिस समस्या के लिए कुंडली दिखा रहे हो, एक भी कोई वहां सेट नहीं बैठ रहा है। आपके कुंडली में जो जो भी दुर्योग पड़े हैं ना, उन उन समस्याओं के लिए एक भी काम नहीं कर रहे हो और बाकी सब कर रहे हो, 2 भी 20 25 पूजा पाठ हवन पा जप व्रत उपवास जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब ठीक है, मन को शांति देगा, ऐसे समझो कि ये डेली वेजेस हैं, डेली डेली इनकम, इसी इसी में चल रहे हो, इसको नहीं करते तो चल नहीं सकते, इसको नहीं करते तो आज खाने पीने का भी लाला पड़ जाता है आपको, तो इस हिसाब में ये आपका डेली वेजेस का कमाई है। लेकिन जैसे जैसे दुर्योग कुंडली में पड़े हैं, ऐसे कुंडलियों के दुर्योग और ग्रहों का कष्ट को निवारण करने के लिए आपको ये 5 mg 10 mg का मेडिसिन में काम नहीं देगा, ठीक है ना, इसके लिए पूरा 650 mg का चाहिए, और ऐसे समझो कि तमंचे में काम नहीं देगा, AK-47 और तोप चाहिए, इसमें तोप चलाओगे तभी जाके ये ऐसे ऐसे पावरफुल जो ग्रहों की आपकी ज़िंदगी में पड़े हैं कष्ट, ये दूर होंगे। क्लियर हो गया बात? हाँ, तो जब भी कुंडली दिखाते हो ये देख लेना चाहिए कि मेरे पास बीमारी क्या है, पहले बीमारी को जानिए, उसके बाद इलाज पे आइए, है ना। जब बीमारी ही पता नहीं है लेकिन आप ये इलाज करते जा रहे हो, इलाज करते जा रहे हो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वही में मेडिसिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, साइड इफेक्ट होगा, नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल में साइड इफेक्ट केवल तांत्रिक मंत्र जो भी कर रहे हो उसका साइड इफेक्ट दिखाएगा, वैदिक मंत्र का पूजा पाठ में साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। जिस प्रकार का समस्या आप अभी बता रहे हो ना, कि अभी आर्थिक स्थिति खराब है और इतना सारा काम करता हूँ, पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं रहता है, ऐसा बोल रहे हो ना, हाँ, तो कुंडली में सबसे पहला आप लिख लो, चाहे रिकॉर्डिंग पे डाल दो मेरा बात, ताकि दोबारा मेरे को आप कौन ऐसा करता हूँ, फिर मैं वीडियो कर लेता हूँ, आपका बात सुनाई नहीं देगा, मैं कान पे लगा लिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप खाली प्रॉब्लम सुनो और जो ट्रीटमेंट है उसको अलग से बता दूंगा, वो ओवरऑल नहीं बताया जाता है। सबसे पहले देखिए, आप डोंट वरी, हाँ बैठ बैठ, सबसे पहला आपके कुंडली में एक नंबर बीमारी है, चंद्रमा अकेले बैठा है, आगे पीछे कोई नहीं है, इसको बोलते हैं केमद्रुम, ठीक है, ये सबसे भयंकर बीमारी होता है और
दिखता नहीं है लेकिन अंदर अंदर आदमी को खोखला करता है, ठीक है। दूसरा बीमारी है चंद्रमा से छठा में गुरु बृहस्पति शत्रु गृही, छठा में जब चंद्रमा जाता है तो बोलते हैं इस बीमारी का नाम है सकट योग, ठीक है। सकट योग में बता दिया सिम्टम, आदमी बहुत ऊंचा जाएगा, धीरे 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 नीचे आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तीसरा बीमारी आपके कुंडली में है चंद्रमा से अष्टम में शनि, इसको बोलते हैं कंटक शनि ढैया जन्म जात। तो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ बनता है। ऊपर से लग्न का भी, लग्न के आगे पीछे कोई ठोस प्लैनेट नहीं बैठना, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अकेले हो जाता है, साथ देने वाला सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहता। और जैसे छठा में गुरु बृहस्पति रोग रिपु ऋण जी के भाव में सौम्य ग्रह जब जाते हैं तो उनके जिंदगी में रोग रिपु ऋण अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, और ये कंट्रोल करने के लिए उसके लिए अलग बैकअप कहीं से दृष्टि नहीं, किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं आने के कारण यहाँ गुरु बृहस्पति को बैकअप नहीं मिल रहा है, तो उसमें बैकअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि शनि अष्टम में कंटक, जिंदगी भर जो भी काम करोगे शनि से अष्टम में चंद्रमा या चंद्रमा से अष्टम में शनि जिसके कुंडली में है उसके जिंदगी में हर काम डिले रहता है, जिंदगी का हर काम में बाधा आता है और बहुत सारे बिन अकारण नुकसान और लॉस सहना पड़ता है। और लग्न या चंद्रमा अगर अकेले है और उसमें से अष्टम और सप्तम छठा दुर्बल हो गया तो फिर जो जो समस्या आप गिना रहे हो ये सारे समस्याएं आएंगे। उसको लेके भ्रमात्मक पूजा, भ्रमात्मक पाठ, भ्रम जनित जो नहीं करना चाहिए ऐसे पूजा पाठ मंत्र को उठा के वो जब आप करते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की जगह में नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है या नेगेटिव प्रैक्टिस हो जाता है। तो फिर ऐसे कंडीशन पे बोलते हैं अपने पूजा से अपना विनाश, हालांकि ये कभी होता नहीं है लेकिन ये लाल किताब का डायलॉग है कि इतना पूजा पाठ जिसमें अपना ही दुर्योग बना के खड़ा कर देते हैं, गलत पूजा पाठ हो जाता है, जैसे पूजा किया, उपवास किया और दारू पी लिया, ठीक है ना, तो उसमें तो आदमी जिंदगी भर बीमारी से नहीं निकल पाएगा और उसमें लक्ष्मीहीनता का जैसे दुर्योग बन जाएगा, ठीक है। तो उसका अभी मैं रेमेडी बता रहा हूँ, एक एक करके आप लिखते जाइए।